हेलो दोस्तों, दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.5 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.5 का पार्ट 1 और 2 हमने सोल्व कर दिया था, ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया था, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.5 पार्ट 3 क्वेश्चन 5 हमें दिया है x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये दिया है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें इसका dy by dx का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मान लेंगे। तो हम इसे मानेंगे y के बराबर, तो हम लिखेंगे माना। तो हमने यहाँ पे लिखा इसमें माना, हम इसे मानेंगे y बराबर। हमारा क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू उसके बाद है x प्लस 5 की पावर 4। ओके दोस्तों, तो मैंने इसे y के बराबर मान लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें दोनों ओर लोग लेंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर लोग लेने पर, दोनों ओर लोग लेने पर। ओके, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा लोग लेने पर। तो सबसे पहले इसमें लोग लगे, तो यहाँ पर क्या होगा, लोग वाई। तो लिखेंगे लोग वाई बराबर, अब इसमें लोग लगे, तो लोग आगे क्या है, एक्स प्लस 3 इसकी और पावर 2, फिर है एक्स प्लस 4 इसकी पावर 3 इंटू फिर है एक्स प्लस 5 ये पावर 4। ओके दोस्तों, मैंने इसमें लोग लिया। अब इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख रहा है, जो इसमें यूज होने वाला है। तो एक फॉर्मूला होता है लोग m इंटू एन बराबर जो होता है दोस्तों, वो होता है लोग m प्लस लोग यहाँ पर क्या है n, ठीक है। तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर ये लोग है और ये x प्लस 3 की पावर जो भी 2 है, ये लोग m हुआ और ये n हुआ और ये क्या है दोस्तों, ये हमारा p हुआ, मतलब ठीक है दोस्तों। तो n लोग m इंटू एन इंटू पी, मतलब इसमें एक फंक्शन और लगा सकते हैं, जैसे m इंटू एन इंटू पी। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर इसको लोग p भी लिख सकते हैं, मतलब जितने हमारे फंक्शन होंगे उसी के हिसाब से हम यहाँ पर फॉर्मूला बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कितने फंक्शन है, 1, 2, 3, और यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, मतलब m n p, m ये हुआ, n ये हुआ और p ये हुआ, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों, वो ये होगा कि log m प्लस log n प्लस log p होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर log y इसको ऐसे लिख देंगे बराबर। अब यहाँ पर देखिए log m इंटू log n इंटू log p, तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं log m, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, log m, m हमारा क्या है दोस्तों, x प्लस 3 की पावर 2, ये हमारा m है, x प्लस 3 की पावर 2। उसके बाद क्या है, प्लस का साइन, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दीजिए। उसके बाद क्या है, log n, n हमारा क्या है, x प्लस 4 की पावर 3, तो x प्लस 4 की पावर 3 इंटू लगाइए, उसके बाद प्लस, फिर क्या है log p, तो log p, p हमारा क्या है, x प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। तो इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 5 की पावर 4। तो मैंने इसको सभी को कर लिया। अब करने के बाद दोस्तों, इसमें देखिए, इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है हमारा कि log m की पावर n, एक हमारा फॉर्मूला होता है, जितने फॉर्मूला है दोस्तों, मैं उन सभी को रेड पेन से लिखूंगा। जैसे log m की पावर n होता है एक फॉर्मूला, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा n होता है, सबसे पहले हमारे आगे आता है, और उसके बाद log m हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब log m की पावर n, n हमारा क्या है दोस्तों, log m की पावर n, m हमारा क्या है, ये वाला जो है दोस्तों हमारा m है, ओके, log m की पावर, और ये क्या है दोस्तों, हमारा n है, ये हमारा n हुआ। तो log m की पावर, इसको क्या माना है, n माना हमने, ठीक है, log m की पावर n, तो log m की पावर n बराबर जो होता है वो होता है n log m, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख देंगे, log y, तो इसको ऐसे लिख दो, log y बराबर, यहाँ पे log m की पावर n, इसका क्या होता है दोस्तों, n log m क्या होता है, n, n हमारा क्या है दोस्तों, 2, उसके बाद log m, m हमारा क्या है, x प्लस 3,
एक्स प्लस थ्री, उसके बाद प्लस लगाइए, फिर लॉग एम की पावर एन, एन हमारा क्या है थ्री, फिर लॉग, फिर एम, एम हमारा क्या है एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर, उसके बाद फिर से प्लस लगाइए ये वाला, फिर लॉग एम की पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या होगा एन लॉग एम, एन हमारा क्या है फोर है, फिर लॉग लगाइए और फिर एम क्या है एक्स प्लस फाइव है। ओके दोस्तों, तो मैंने सभी को फॉर्मूले के रूप में लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसके बाद इसका अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ओके। तो हम सभी में अवकलन लगा देंगे, तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है, सबसे पहले इसमें लगाएंगे डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे, किसका करेंगे लॉग वाई का बराबर। अब इसका करेंगे दोस्तों डी बाई डी एक्स सबसे पहले, लेकिन इसको टू से यहाँ से बाहर लेना है, तो टू बाहर लिया दोस्तों हमने, और डी बाई डी एक्स किसका करना है लॉग एक्स प्लस थ्री का करना है, उसके बाद प्लस लगाइए, फिर इस थ्री को बाहर लीजिए, और डी बाई डी एक्स अब किसका करना है लॉग एक्स प्लस फोर का, उसके बाद प्लस लगाइए, उसके बाद इस फोर को बाहर लीजिए यहाँ से, तो फोर, फिर डी बाई डी एक्स किसका करना है दोस्तों लॉग एक्स प्लस फाइव का। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक्स प्लस फाइव है, तो इनका हमें क्या करना है अवकलन करना है। तो सबसे पहले इसका अवकलन कीजिए, तो लॉग वाई का क्या होगा दोस्तों, ये वन बाई वाई होगा, लॉग वाई का जो होता है डिफरेंशिएशन वो वन बाई वाई होता है। उसके बाद हम इस वाई का करेंगे, तो इस वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब यहाँ पे देखिए, ये टू को यहाँ से बाहर लिया हमने, अब ये क्या है दोस्तों, ये लॉग एक्स प्लस थ्री है, मतलब इसको आप मानिए एक्स, इसको आप एक तरीके से एक्स मानिए, ठीक है। तो जैसे हमने एक्स प्लस थ्री को एक्स माना, तो ये लॉग एक्स हुआ, तो लॉग एक्स क्या होता है वो वन बाई एक्स होता है, क्योंकि जब लॉग वाई का वन बाई वाई होगा तो लॉग एक्स का क्या होगा वन बाई एक्स होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या होगा वन बाई एक्स, एक्स हमने किसको माना एक्स प्लस थ्री को माना, एक्स प्लस हमने थ्री को हमने एक्स माना, उसके बाद प्लस लगाइए, उसके बाद दोस्तों इस एक्स का भी होगा, ठीक है, लेकिन जब हम इस एक्स का करेंगे तो इस एक्स का क्या होगा, इस एक्स का वन होगा, उसके बाद लगाइए प्लस का साइन, वो इसका थ्री का जीरो होता है, तो उसको हम नहीं लिखते इस, उसके बाद प्लस लगाइए, फिर क्या है थ्री है, फिर लॉग एक्स प्लस फोर, तो एक्स प्लस फोर को एक्स मानिए, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का क्या होता है वो वन बाई एक्स होता है, क्या होता है वन बाई एक्स, एक्स हमने किसको माना एक्स प्लस फोर को माना, तो एक्स प्लस फोर को हमने एक्स माना, और उसके बाद हम इस एक्स का करेंगे, तो इस एक्स का हो दोस्तों वन, और उसके बाद इस फोर का जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर प्लस लगाइए, फिर फोर लिखिए, अब क्या यहाँ पर है लॉग एक्स प्लस फाइव, तो ऐसा करिए कि एक्स प्लस फाइव को आप एक्स मान लीजिए, तो यहाँ पे ये लॉग एक्स हुआ, तो लॉग एक्स का क्या होता है वन बाई एक्स होता है, एक्स हमने किसको माना एक्स प्लस फाइव को माना, उसके बाद इस एक्स का करेंगे तो इस एक्स का वन होगा। ओके, यहाँ पर वन बाई वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या है बराबर का साइन। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस टू का मल्टीपल इसके याद कीजिए, और इस वन का भी इसके याद कीजिए, तो यहाँ पर ये टू ही रहेगा, ऊपर टू रहेगा और नीचे एक्स प्लस थ्री रहेगा, फिर प्लस कीजिए, अब इस थ्री का इसके साथ कीजिए, इस वन का इसके साथ कीजिए, तो यहाँ पर ऊपर थ्री रहेगा और नीचे एक्स प्लस फोर रहेगा, फिर प्लस इस फोर का इसके साथ कीजिए, इस वन का इसके साथ कीजिए, तो यहाँ पर ये फोर ही रहेगा और नीचे एक्स प्लस फाइव रहेगा। ओके दोस्तों, तो मैंने इसको कर लिया, इसको करने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, इस वाई को इधर भेजना है, तो ये इधर आएगा, लिखेंगे यहाँ पर डी वाई डी एक्स बराबर, ये वाई हमारा दोस्तों इधर आएगा, और आगे क्या है टू एक्स प्लस थ्री, फिर प्लस, फिर थ्री, फिर एक्स प्लस फोर, प्लस फिर यहाँ पर फोर, फिर एक्स प्लस फाइव। ओके दोस्तों, इसको मैंने कर लिया, इसको करने के बाद अब हमें देखना है कि हमारा वाई का वैल्यू क्या था। तो हमने वाई बराबर क्या माना था, हमने वाई बराबर ये माना था, ये क्या है हमारा एक्स प्लस थ्री की पावर टू इंटू एक्स प्लस फोर की पावर थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव की पावर फोर। तो चलिए दोस्तों, इस वाई का वैल्यू वहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखिए, ये वाला डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर, फिर वाई, वाई का वैल्यू हमारा क्या है एक्स प्लस थ्री की पावर टू, एक्स प्लस थ्री की पावर टू इंटू, फिर एक्स प्लस फोर की पावर थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव की पावर फोर, और फिर दोस्तों इसको लिख दीजिए, जैसे जो भी ये है टू, फिर इसके नीचे एक्स प्लस थ्री, फिर प्लस लगाइए, फिर थ्री, फिर इसके नीचे एक्स प्लस फोर, फिर प्लस लगाइए, फिर फोर,
फिर इसके नीचे एक्स प्लस फाइव, ठीक है दोस्तों। और यह है दोस्तों इसका आंसर, आप इसका आंसर देख लीजिए, डी वाई डी एक्स, ये सब इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन से मैं दिया है एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स। ओके दोस्तों, हमें सिक्स नंबर क्वेश्चन ये दिया है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मानेंगे, तो लिखेंगे माना, हम इसे मानेंगे y के बराबर, तो y बराबर हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, x प्लस वन बाई एक्स की पावर x, उसके बाद प्लस x की पावर वन प्लस वन बाई एक्स। ओके दोस्तों, हमने इसे y के बराबर मान लिया। अब अगर दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो, तो हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे ऐसे करेंगे कि सबसे पहले इस वाले फंक्शन को हम इसे मान लेंगे हम u, और इस वाले फंक्शन को हम इसे मान लेंगे दोस्तों v, और ये तो हमारा y बराबर ही है। ओके, ये हमारा y है, तो हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, y बराबर u और v, ठीक है, हम इसे ये मान लेंगे, यहाँ पर बीच में और ये प्लस है, ठीक है, तो y बराबर u प्लस v, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैंने u बराबर किसको माना, इसको माना, मैंने u बराबर इसको माना x प्लस वन बाई एक्स की पावर x को माना, और उसके बाद मैंने v बराबर किसको माना, x की पावर ब्रैकेट में वन प्लस वन बाई एक्स को माना, ठीक है दोस्तों। तो मैंने y बराबर u इसको माना और दोस्तों v इसको माना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम इसका अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसका करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं y बराबर u प्लस v का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन होगा dy वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, और इसको मानेंगे समीकरण नंबर एक। ओके दोस्तों, मैंने इसका अवकलन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से, सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों वैल्यू निकालने के बाद हम समीकरण नंबर एक में रख देंगे। तो सबसे पहले हम डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे, हमने यू बराबर क्या माना, ये देखिए हमने यू बराबर ये माना, तो लिखेंगे यू बराबर हमने जो भी माना, यू बराबर हमने क्या माना, एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर, इसकी पावर एक्स। ओके दोस्तों, मैंने यू बराबर ये माना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें दोनों ओर लॉग लेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर। ओके, तो सबसे पहले मैंने इसमें लॉग लिया, तो ये लॉग यू हुआ, तो यहाँ पर ये लॉग यू हुआ बराबर, इसमें लॉग लिया तो लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर एक्स। ओके दोस्तों, ये यहाँ पर ये हुआ। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर फाइव में पढ़ा था, कि लॉग एम की पावर एन जो होता है वो एन लॉग एम होता है। ओके दोस्तों, तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है लॉग एम की पावर एन, मतलब ये जो है पूरा का पूरा फंक्शन दोस्तों एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसको हमने एम माना, तो लॉग एम की पावर ये हमारा एन है, ठीक है, एक्स को हमने क्या माना, एन है, तो लॉग एम की पावर एन। ओके, तो इसमें हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले इसको लॉग लॉग यू लिखिए, लॉग यू बराबर इसका क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, एन आ गया था, एन हमारा क्या है, एक्स है, तो सबसे पहले हमारा एक्स आगे हुआ, और इनटू लगाइए, फिर क्या है, लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स। ओके, इसको मैंने कर लिया। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इसका अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर अवकलन करने पर x के सापेक्ष, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सबसे पहले इसका अवकलन होगा दोस्तों, तो जैसे इसका होगा तो ये 1 बाई यू होगा, क्योंकि log u है ये, तो 1 बाई यू हुआ, log u का 1 बाई यू, उसके बाद u का करेंगे तो u का क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स होगा। अब दोस्तों हम इसका अवकलन करेंगे, अब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो x है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। ओके, और ये दोस्तों हमारा सेकंड फंक्शन है, मतलब हमारा ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये दोस्तों हमारा सेकंड फंक्शन हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख देते हैं, मतलब जो भी हमारा उसको एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, तो x हमारा ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम डिफरेंशिएशन में यहाँ पर लगा देंगे, किसका करेंगे, सेकंड वाले का, सेकंड हमारा क्या है, लॉग
फिर क्या है एक्स प्लस वन बाई एक्स है, ठीक है। तो सेकंड का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद हम प्लस लगाइए, उसके बाद हम सेकंड ऐसे लिख देंगे। तो सेकंड हमारा क्या है लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स, उसके बाद हम क्या करेंगे पहले का मतलब जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स लगाएंगे, किसका करेंगे फर्स्ट का, फर्स्ट हमारा क्या है एक्स है, तो हम इसमें ये करने वाले हैं। ओके, इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पर वन बाई यू, यहाँ पर देखिए दोस्तों वन बाई यू, फिर डी यू बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर इस एक्स का कोई डिफरेंसेस नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे एक्स इंटू, और इसका देखिए यहाँ पर ये क्या है लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसका हम क्या करेंगे डिफरेंसेस करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों इस वाले फंक्शन को एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसको हम एक्स मान लेंगे। तो जैसे मैंने इसको x माना तो ये log x हुआ, तो log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन मतलब डिफ्रेंसिएशन, इसका अवकलन 1 बाई एक्स होता है। तो इसका क्या होगा 1 बाई एक्स, एक्स हमने किसको माना x प्लस 1 बाई एक्स को माना। उसके बाद क्या है इसका भी करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसका अब किसका करेंगे जिसको हमने x माना था, x हमने किसको माना था x प्लस 1 बाई एक्स को माना था, तो अब हम इसका करेंगे। तो जैसे हम इस x का करेंगे तो इस x का क्या होगा दोस्तों 1 होगा, इस x का 1 होगा, फिर प्लस, फिर क्या प्लस है फिर 1 बाई एक्स। जब हम 1 बाई एक्स का करेंगे तो 1 बाई एक्स का क्या होगा दोस्तों 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। ओके, उसके बाद प्लस लॉग आगे क्या है एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, उसके बाद क्या है डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का क्या होगा एक्स का 1 होगा। ओके, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर 1 बाई यू, फिर डी यू बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर दोस्तों इसका मल्टीपल याद कीजिए तो आएगा x बट्टा x प्लस 1 बाई एक्स, फिर यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर का याद कीजिए तो आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस लॉग x प्लस 1 बाई एक्स। ओके, तो मैंने इन सभी को कर लिया। अब देखिए दोस्तों आगे, अब इन सभी करने के बाद दोस्तों हम इसमें करके हम इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, तो अब की बार हम इसमें लेते हैं तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स बराबर, ऊपर एक्स है और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो एक्स का गुना एक्स के साथ कीजिए आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे दोस्तों एक्स है, इसका एलसीएम एक्स था, उसके बाद इंटू आगे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लॉग, फिर एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ओके दोस्तों, इसको मैंने कर लिया। इसको करने के बाद अब इसका गुना इसके साथ कीजिए, तो एक्स का एक्स साथ कीजिए आएगा एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले 1 बाई यू, फिर डी यू बाई डी एक्स, एक्स का एक्स के साथ कीजिए क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू क्या आगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे एक्स स्क्वायर है और फिर प्लस लॉग, फिर एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ओके दोस्तों, इसको कर लिया। इसको करने के बाद अब इस वाले एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचेगा 1 बाई यू, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स बराबर, इसका मल्टीपल इसके साथ कीजिए 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, फिर प्लस आगे क्या है लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों इस यू को इधर से इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इस यू को भेजिए इधर, तो यू और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब देखिए दोस्तों हमने कि यू बराबर क्या माना था, अब देखिए यहाँ पर हमने u बराबर दोस्तों जो माना था हमने ये माना था, तो x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए u के स्थान पर, तो du यू बाई डी एक्स, यू बराबर क्या था दोस्तों हमारा, u बराबर था हमारा x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x और ब्रैकेट में क्या है दोस्तों ब्रैकेट में हमारा ये है। तो आप इसको ऐसा करिए इस वाले को, तो इस वाले फंक्शन को इधर लिख दीजिए और इसको इधर लिख दीजिए, तो यहाँ पर है log फिर ब्रैकेट में x प्लस 1 बाई एक्स और फिर प्लस लगाइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर नीचे एक्स स्क्वायर
प्लस वन। ओके दोस्तों, और ये हमारा किसका वैल्यू है, हमारा डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू है। उसके बाद हमें किसका वैल्यू निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी तो हमने इसका वैल्यू निकाला, उसके बाद हमें निकालना है डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू। तो अब हम मानेंगे वी बराबर हमने किसको माना था, हमने वी बराबर इसको माना था। तो चलिए करते हैं दोस्तों, तो हमारा वी बराबर क्या है, वी बराबर हमारा एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स है। तो हम इसको करते हैं, तो v बराबर है हमारा x की पावर 1 प्लस वन बाई एक्स। ओके दोस्तों, हमारा v बराबर ये है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम log लेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर log लेने पर दोनों ओर log लेने पर। ओके दोस्तों, दोनों साइड लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर लोग लिया तो ये लोग वी होगा बराबर, यहाँ पर भी लोग लगे तो लोग एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स होगा। ओके, तो मैंने दोनों ओर लोग लिया। लोग लेने के बाद दोस्तों अब आगे देखिए, तो एक हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो अभी क्वेश्चन नंबर फाइव में लगाया था या इसी में भी लगाया था, कि लोग एम की पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लोग m की पावर n जो फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा n होता है सबसे पहले आगे आता है, फिर इस log को ऐसे लिख देते हैं और फिर m को लिखते हैं हम। ओके, तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो log m की पावर n, तो log m की पावर n, log m, m यहाँ पर क्या है, x है, और इसकी पावर जो भी होगा ये n है हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले log v लिखिए, log v लिखिए, फिर बराबर, तो log m की पावर n, n हमारा सबसे पहले क्या है आगे आएगा, तो n हमारा क्या है वन प्लस वन बाई एक्स, तो 1 प्लस वन बाई एक्स ये हमारा n हुआ, फिर क्या होता है लोग लिखते हैं, फिर n, n हमारा क्या है x है। ओके दोस्तों, तो मैंने इसको कर लिया। इसको करने के बाद अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर अवकलन करने पर x के सापेक्ष, तो लिखेंगे अवकलन करने पर। ओके, मैंने सिर्फ लिखा यहाँ पर अवकलन करने पर, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस log v का क्या होगा, 1 बाई वी होगा। ओके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर 1 बाई वी होगा, उसके बाद v का करेंगे तो v का क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स, फिर बराबर का साइन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे फर्स्ट फंक्शन है और यहाँ पर ये सेकेंड फंक्शन है, तो यहाँ पर ये जो हमारा है दोस्तों 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये हमारा दोस्तों फर्स्ट फंक्शन है। ओके, और इनटू log x है, ये हमारा दोस्तों सेकंड फंक्शन हुआ। ओके, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये हमारा सेकंड फंक्शन हुआ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस फॉर्मूले में सबसे पहले जो भी हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, मतलब हमें उसको ऐसे यहाँ पर लिखना है, तो कैसे लिखना है, 1 प्लस 1 बाई एक्स, मतलब जैसा का जैसा है उसको वैसे लिखना है। फिर क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स, क्योंकि हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, दूसरा क्या है log x है, फिर प्लस लगाइए, फिर दूसरा ऐसे लिख देना है log x, फिर पहले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स पहला क्या है, 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स। ओके दोस्तों, इसको मैंने कर लिया। अब हम देखें दोस्तों आगे क्या करते हैं, सबसे पहले 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई एक्स, फिर इसका देखिए डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पर ये log x है, तो log x का अवकलन क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा, तो इनटू लगाइए 1 बाई एक्स, फिर क्या प्लस log x, फिर d बाई डी एक्स। अब करेंगे दोस्तों हम इसका, तो सबसे पहले इसका करेंगे इनटू, सबसे पहले 1 का कीजिए तो 1 का तो हो जाएगा 0, फिर प्लस 1 बाई एक्स का कीजिए हम डिफरेंशिएशन, तो जैसे हम 1 बाई एक्स का अवकलन करेंगे तो इसका क्या होगा दोस्तों, माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। ओके, अब यहाँ पर 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए ये दोस्तों हमारा 1 बाई एक्स है, इसका गुना इसके साथ कीजिए। ओके, इसका गुना इसके साथ कीजिए, तो 1 बाई एक्स का 1 के साथ कीजिए, तो यहाँ पर ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, फिर क्या प्लस है, अब इस 1 बाई एक्स का इसके साथ कीजिए, तो यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और फिर प्लस log, यहाँ पर log x है, फिर क्या है माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर है। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर 1 बाई वाई 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स बराबर, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, तो यहाँ पर log x हो जाएगा, और माइनस का log x
और नीचे एक्स स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखें दोस्तों, हम इसका क्या करेंगे, इन सभी का लेस ले लेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे। तो एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स का क्या कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा। तो सबसे पहले 1 बाई वी लिखिए, फिर डी वी बाई डी एक्स लिखिए, और इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, इन सभी का एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, तो यहाँ से इसका एक्स स्क्वायर को इसको भाग दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों एक्स, फिर प्लस, यहाँ पर बचेगा 1, फिर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर दोस्तों लॉग एक्स। ओके, उसके बाद देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, इस वी को इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स बराबर, ये भी इधर इसे इधर आया, और फिर एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स बटा में कितना है, एक्स स्क्वायर है। ओके दोस्तों, अब वी का वैल्यू देखिए क्या था। अब देखिए दोस्तों, हमने वी बराबर क्या माना था, हमने वी बराबर एक्स की पावर 1 प्लस एक्स माना था। ओके, एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स माना था। तो इस वी का वैल्यू वी के स्थान पर रख दीजिए, तो डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स बराबर, वी का वैल्यू क्या था दोस्तों, वी का वैल्यू था हमारा एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। उसके बाद आगे क्या है, आगे जो भी हमारा है उसको लिख दीजिए, एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, और बटा में दोस्तों एक्स स्क्वायर है। ओके दोस्तों, अब ये वैल्यू हमारा किसका, हमारा डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू है। तो अब आप इसमें ऐसा कीजिए, ये सभी का सभी वैल्यू समीकरण नंबर एक में रख दीजिए। तो हमारा समीकरण नंबर एक था, समीकरण नंबर एक हमारा दोस्तों ये था, देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी यू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो समीकरण नंबर एक ये था। तो सबसे पहले समीकरण नंबर एक को लिख लीजिए। तो समीकरण नंबर एक था हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स, फिर उसके बाद क्या था दोस्तों, प्लस डी वी बाई डी एक्स। ओके दोस्तों, हमारा समीकरण नंबर एक था। तो इन सभी का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, इसको यहाँ पे ऐसे लिखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए दोस्तों क्या था। तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू दोस्तों हमारा ये था, यहाँ पर देखिए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा ये था। तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स, यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स, फिर क्या ब्रैकेट में लॉग, फिर एक्स प्लस 1 बाई एक्स, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके दोस्तों, इसको मैंने कर लिया। इसको करने के बाद उसके बाद क्या समीकरण में प्लस है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगा दीजिए, फिर प्लस लगाया, फिर क्या है डी वी बाई डी एक्स। अभी देखें कि डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था। तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा दोस्तों यहीं पर हमने यहाँ भी निकाला था, हमारा ये वैल्यू था। तो इसको लिखिए एक्स की पावर, उसके बाद 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो इसको लिखिए एक्स की पावर, फिर क्या 1 प्लस 1 बाई एक्स, उसके बाद क्या है ब्रैकेट है दोस्तों, फिर क्या है एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स। ओके, और बटा कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर है। ओके दोस्तों, तो यही है दोस्तों इसका आंसर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसके लिए दोस्तों सॉरी। तो यहाँ पर देखिए डी वी बाई डी एक्स, इसका आंसर ये है डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या है एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स, फिर लॉग, फिर एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस, फिर एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, फिर ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस, फिर लॉग एक्स बटा एक्स स्क्वायर है दोस्तों। तो ये सभी इसका आंसर है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है दोस्तों बिल्कुल लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका एक्सरसाइज नंबर 5.5 का पार्ट 4 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप एक्सरसाइज नंबर 5.5 का पार्ट 4 देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।